हेलो एंड वेलकम एवरीवन, ऑनलाइन तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं नीलाक्ष सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 मई के चुनिंदा करंट अफेयर्स पर। तो दोस्तों आज 20 मई है तो याद रखिए आज आपका ये बम्पर एग्जाम मेला ऑफर खत्म हो रहा है। आपको मेला 30 कूपन कोड का इस्तेमाल करना था और बन जाना था तैयारी प्लस का मेंबर, और इस कूपन कोड के इस्तेमाल से आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। जानते हैं तैयारी प्लस क्या है। इसमें आपको 2000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है, वो भी अगले पूरे 12 महीने के लिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तीसरा, भारत और बोत्सवाना वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया, यानी इनिशिएटिव ऑफ द 3rd इंडियन बोत्सवाना कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज। इसका सही जवाब था दोस्तों ऑप्शन सी, मींस न्यू दिल्ली। तो यहां पर दोस्तों कुछ बोत्सवाना से रिलेटेड जीके पॉइंट्स है, आपको बता दें। 3rd राउंड ऑफ द फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना, तो किन दो देशों के बीच में, भारत और बोत्सवाना के बीच में। तो आपको जो मैं ये सर्किल कर रहा हूँ इस पर जरूर ध्यान देना है। तो इसका आयोजन किया गया था, कब किया गया था, 15 मई को किया गया था। फिलहाल हमारा आंसर ये था कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो बता दें ये इंडिया और बोत्सवाना दोनों की तरफ से किसने किसने टीम को लीड किया। तो भारत की तरफ से लीड किया डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी ने, ठीक है। तो कौन है ये है संयुक्त सचिव ईस्ट एंड साउथ एंड अफ्रीका के। और बोत्सवाना साइड से अगर बात करें तो लीड किया मिस्टर तापिवा मोंगवा, ठीक है। तो इन्होंने लीड किया, ये कौन है, ये हैं डिप्टी परमानेंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड कोऑपरेशन ऑफ बोत्सवाना गवर्नमेंट। फिलहाल इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई, ठीक है। सेवरल इश्यूज वर डिस्कस, कौन कौन से मुद्दे थे दोस्तों, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, डिफेंस टाइप के मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई। आपको ध्यान क्या रखना है कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने एक समिति को नियुक्त किया था, आपको बताना है समिति का प्रमुख कौन है। तो हु वॉज हेडिंग द आरबीआई अपॉइंटेड कमिटी ऑन प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, और इसका जवाब है आपका नंदन नीलेगढ़ी। क्या जवाब है दोस्तों आपका, ए यानी नंदन नीलेगढ़ी। तो इनका नाम तो आपको याद रखना ही है। तो ये कमिटी किसने स्थापना की, आरबीआई ने की, ये तो आपको एक पॉइंट याद रखना ही है। आरबीआई अपॉइंटेड कमेटी हेडेड बाई नंदन नीलेकरी, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये नाम जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ। अच्छा ये कौन थे, बता दें इंडिया में जो आधार का आर्किटेक्चर जिसने तैयार किया ना वो यही थे। तो फिलहाल ये तो इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ही। हम फिर से बताते हैं हमने खबर पर। तो ये कमेटी क्यों बनाई गई, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। यानी जो भी आपका डिजिटल पेमेंट का इस समय दौर चल रहा है इसमें और तेजी लाने के लिए, इसको इन्हेंस करने के लिए जो है कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। इस कमेटी के अध्यक्षता आपके कर रहे थे नंदन नीलेकरी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना ली है और रिपोर्ट को इन्होंने सबमिट कर दिया है। सबमिट किसे कर दिया है, सबमिट कर दिया है इन्होंने गवर्नर ऑफ आरबीआई को। कौन है गवर्नर ऑफ आरबीआई, शक्तिकांत दास, ठीक है। तो ये नाम तो आपको याद ही होगा, शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर हैं आरबीआई के समय, इनको अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। फिलहाल बता दें इन जनवरी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप द 5 मेंबर पैनल, कि इसी साल जनवरी 2019 में ही जो है आरबीआई ने एक पैनल तैयार किया था 5 मेंबर का, जिनमें 5 सदस्य थे, ठीक है। तो यही वो कमेटी है जिसको जो है नेतृत्व कर रहे थे नंदन नीलेकरी। क्यों किया था, इनकरेज डिजिटाइजेशन, यानी कि जो भी जो डिजिटल रूप से जो भी पेमेंट होते हैं ना कार्ड से या फिर फोन से, ठीक है। तो ये जो डिजिटल रूप से पेमेंट हो रहे हैं इसको और इनकरेज करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। फिलहाल बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। भारत ने हाल ही में निम्न में से किस देश को MI-24 हेलीकॉप्टर की पहली जोड़ी वितरित की है, यहां पहली जोड़ी से मतलब है दोस्तों पेयर, ठीक है। और एक पेयर में आप जानते हैं दो होते हैं। फिलहाल इंडिया हैज डिलीवर द फर्स्ट पेयर ऑफ MI-24 हेलीकॉप्टर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली, तो इसका सही जवाब है आपका अफगानिस्तान। जी हाँ, भारत ने अफगानिस्तान को जो है MI-24 चॉपर्स जो है उसकी डिलीवरी दी है, वो भी अभी पहला पेयर दिया, और एक पेयर में दो होते हैं। फिलहाल दिस MI-24 हेलीकॉप्टर वर डिलीवर्ड एज अ रिप्लेसमेंट अगेन 4 अटैक हेलीकॉप्टर प्रीवियसली गिफ्टेड बाई इंडिया टू अफगानिस्तान 2015। बताया गया है यहाँ पे दोस्तों कि इंडिया ने अफगानिस्तान को 2015 में जो है 4 अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए थे, तो उन्हीं के रिप्लेसमेंट में जो है अब वो MI-24 हेलीकॉप्टर्स दे रहा है। कौन, इंडिया, किसे, अफगानिस्तान को। तो इसकी जो है पहला जो पेयर है वो इसने डिलीवर कर दिया है। फिलहाल
इंडिया ने जो है ये हेलीकॉप्टर बेलारूस से लिए थे। तो द MI-24 हेलीकॉप्टर शैल बूस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द अफगान एयरफोर्स, यानी अफगानिस्तान का जो वायुसेना है उसकी बहुत ही ताकत की वृद्धि हो जाएगी इस हेलीकॉप्टर के जरिए, ऐसा जो है मानना है, ठीक है, उसकी क्षमता में बहुत ही बढ़ोतरी होगी। तो इनहेंस द इफेक्टिवनेस द अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स, वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे बताई जा रही है कि वहाँ का जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स है उसको बहुत ही मजबूती मिलेगी। तो वहाँ पर दोस्तों भारतीय राजदूत हैं अफगानिस्तान में, एक भारतीय राजदूत हैं, इनका नाम है विनय कुमार, ठीक है, ये काबुल में रहकर सेवा करते हैं भारतीय राजदूत के रूम में। तो विनय कुमार ने ही जो है ये हैंडओवर किया है ये हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, जो कि दो हेलीकॉप्टर्स हैं जिसको मैंने आपको इसलिए पेयर बोला था, कहाँ पर, अफगानिस्तान के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है असदुल्ला खालिद जी को इन्होंने दिया था, कहाँ पर, काबुल एयरफोर्स बेस में इन्होंने इसकी डिलीवरी कराई। फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पुरुष टेनिस खिलाड़ी में से किसने इतालवी ओपन 2019 का खिताब जीत लिया है? तो हु अमंग द फॉलोइंग मेल टेनिस प्लेयर हैज वॉन द इटालियन ओपन 2019? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, राफेल नडाल इसका सही जवाब है, ठीक है। तो इस बार नोवाक जोकोविच नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो राफेल नडाल जिनको आप फोटो में देख पा रहे हैं, इन्होंने ही जीता है आपका इटालियन ओपन और रिकॉर्ड 34वीं बार दोस्तों इन्होंने मास्टर्स खिताब जीता है। पहले बढ़ेंगे हम लोग खबर की ओर। राफेल नडाल इन्होंने डिफीट किया है नोवाक जोकोविच को, नोवाक जोकोविच जो कि दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल नंबर दो खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने हराया है नंबर एक खिलाड़ी को 6-0, 4-6, 6-1 से। फिलहाल इनका जो है ये नवा इटालियन ओपन खिताब था, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ उसको जरूर याद रखिएगा, इनका नवा इटालियन ओपन खिताब था, क्योंकि कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है कि कौन सा इनका खिताब था इटालियन ओपन। फिलहाल 3400 इनका मास्टर्स खिताब था, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। ये आपका कब हुआ, कल, यानी कि 19 मई को जो है इसका फाइनल हुआ था। बता दें वर्ल्ड नंबर वन जो जोकोविच है उन्होंने पिछले ही हफ्ते लास्ट वीक मैड्रिड ओपन जीता था, जो मैंने आपको वीडियो के जरिए बताया भी था पिछले हफ्ते, ठीक है, लेकिन इस बार जो है इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पर बता दें कि जो सेकंड रैंक वाले नडाल है ना, इन्होंने अपने करियर का 81वां टोटल जो है इन्होंने 81 बार इन्होंने टाइटल को जीता है, ठीक है, कोई खिताब इन्होंने जीता अपने करियर में। तो नडाल ओवरटेक्स जोकोविच, बता दें इन दोनों ही प्लेयर्स ने, यानी कि राफेल नडाल ने और जोकोविच, इन्होंने इन दोनों ने ही इस प्रतियोगिता से पहले 33-33 बार जो है मास्टर्स खिताब जीते थे, ठीक है, 33-33 बार, लेकिन इस बार राफेल नडाल ने एक और जीत लिया तो इनके हो गए 34 और जोकोविच के 33, तो ज़्यादा हो गए राफेल नडाल के। यहाँ पर दोस्तों विनर्स लिस्ट आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, मैंने हर कैटेगरी के सामने विनर का नाम लिखा है, जबकि नीचे जो नाम है वो है रनर अप का, तो इस तरह आप यहाँ पर एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इटालियन ओपन है जिसका जो आयोजन हुआ वो हुआ रोम यानी कि इटली में, और ये रही इसकी यूरो में प्राइज मनी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो द वर्ल्ड्स बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अ विच डे? बहुत ही सिंपल है, आज कौन सा डे है, आज है आपका 20 मई, तो आज आपका दिन कौन सा है, 20 मई, और इसी दिन मनाया जाता है आपका वर्ल्ड बी डे। तो वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अ 20 मई इन एवरी ईयर, ठीक है, यानी हर साल मनाया जाता है। और इस दिन होता क्या है बता दें, ऑन दिस डे एंटोन जेंसा, ये नाम जरूर याद रखिएगा एंटोन जेंसा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे जब चार ऑप्शन होंगे कि एंटोन जेंसा, तो ये कौन थे, ये वो थे दोस्तों जिन्होंने पहली बार मॉडर्न टेक्निकी का इस्तेमाल किया मधुमक्खी के पालन के लिए, ठीक है, इन्होंने पहली बार आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया मधुमक्खी पालन के लिए 18वीं शताब्दी में, जिनका जन्म हुआ था 1734 में, तो इन्हीं के उपलक्ष में ये दिन मनाया जाता है, और इसको यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन आपका मान्यता भी दे चुका है इस दिन को। पर्पस क्या है, पर्पस सिर्फ यही है कि लोगों को अवेयर करना द इम्पोर्टेंस ऑफ द बी इन आवर इकोसिस्टम, यानी हमारे इकोसिस्टम में मधुमक्खी की जो भूमिका है ना उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत और किस एशियाई देश के बीच में सिम्बेक्स 19 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो सिम्बेक्स 19 अ नेवल एक्सरसाइज वर कंडक्ट बिटवीन इंडिया एंड अ विच एशियन कंट्री? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आपका सिंगापुर, ठीक है, तो क्या ऑप्शन बी आपका सही है, तो ध्यान दीजिए भारत और सिंगापुर के बीच में यह आपका अभ्यास हुआ है। तो इंडिया एंड सिंगापुर बिगन सिम्बेक्स 2019 नेवल एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी, तो
एक तो हो गया आपका इंडियन नेवी, दूसरी तरफ आपका हो गया रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये आयोजन हुआ। तो एक पॉइंट तो आपका ये इंपॉर्टेंट बनता है कि किन दो देशों के बीच में हुआ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ऑन अ संडे यानी कि भाई आपका 19 मई को जो है इसका आयोजन हुआ, ठीक है, बायलैटरल यानी द्विपक्षीय था। कहाँ हुआ ये एक इंपॉर्टेंट है, आपका हुआ साउथ चाइना सी में, ठीक है, और इसका नाम रखा गया सिम्बेक्स 19। तो ये तीन चीजें जो मैंने सर्कल की हैं इनसे ही प्रश्न बनेंगे। इसका जो ये समापन हो रहा है वो होगा 22 मई को। लास्ट ईयर जब इस एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था आपका इंडियन ओशियन में, कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप में हुआ था। फिलहाल बता दें ऑन द इंडियन साइड यानी भारत की तरफ से जिन टू वेजल्स यानी जिन दो पोतों ने इसमें भाग लिया वो आपके थे दोस्तों INS कोलकाता एंड द सेकेंड वन INS शक्ति, ठीक है। तो INS कोलकाता आपको पता है द लीडशिप ऑफ द कोलकाता क्लास गाइड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ग्रुप में इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ INS शक्ति अदीपक क्लास फ्लीट टैंकर है दोस्तों ये, ठीक है, इसने भी पार्टिसिपेटेड किया इन दिस एक्सरसाइज। सिंगापुर की तरफ से जो है दोस्तों जिसने रिप्रेजेंट किया जिन पोस्ट ने तो वो तो आपका RSN स्टीडफास्ट अ फॉर्मिडेबल क्लास विग्रेट इसको जो है जाना जाता है, और दूसरा था RSN वैलियंट, ठीक है। तो इन दोनों को दोस्तों बता दें जैसे आप भारत में INS के नाम से जो है जहाज आप सुनते हैं उसी तरह सिंगापुर में RSN। RSN का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, ठीक है। तो RSN का मतलब अब आपको ध्यान रहेगा कि ये सिंगापुर की बात हो रही है। तो यहाँ से सिंगापुर की तरफ से इन जहाजों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो वक्त हो चुका है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का दोस्तों, किस बॉलीवुड एक्टर को भारत में यूरोपीय चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है। विच बॉलीवुड एक्टर वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब का मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए शुक्रिया।